गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो, जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको बताया, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा। सो इसमें सब टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। चलिए आज हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या होती हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब हमारे पास एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दी हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाली जाती है, किस फार्मूले से? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन। ये x1 और y1 जो हमारा पॉइंट है और m जो हमारी स्लोप है, वेयर x इज y1 इज पॉइंट एंड m इज स्लोप। सो इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन पॉइंट एंड स्लोप आर गिवन, तो इसको कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरा फार्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। जब दो पॉइंट्स दिए हों तो इक्वेशन लाइन कैसे निकल जाती है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम के बदले वाई टू माइनस वाई वन पावन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स हैं, इन टू एक्स माइनस एक्स वन। वही फार्मूला है, सिर्फ एम के बदले वाई टू माइनस वाई वन पावन एक्स टू माइनस एक्स वन, वेयर स्लोप एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन पावन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो जब पॉइंट स्लोप फॉर्म दी हो तो इस फार्मूले से आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, जब दो पॉइंट्स दिए हों तो इस फार्मूले से आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल दैन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर दो लाइन्स पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। अगर एक की स्लोप m1 है दूसरे की स्लोप m2 है तो m1 और m2 इक्वल होते हैं, और अगर लाइन्स पैरेलल हों तो स्लोप्स इक्वल हैं, अगर स्लोप्स इक्वल हैं तो लाइन्स पैरेलल हैं। नंबर फोर, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो स्लोप्स m1 इज इक्वल टू m2, और अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट, यानी कि पहले की स्लोप m1 है दूसरे की m2 है, तो उनका प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर होता है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, याद रखना है स्लोप्स इक्वल हों तो m1 इक्वल टू m2 होता है, और स्लोप्स अगर लाइंस परपेंडिकुलर हों, लाइंस अगर पैरेलल हों तो स्लोप्स इक्वल होती हैं, m1 इज इक्वल टू m2, और लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो माइनस वन के बराबर होता है, यानी कि m1 इंटू m2 जो है माइनस वन के बराबर होता है। तो चलिए आज टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 10.2 लेते हैं और इन फार्मूले पर इन क्वेश्चंस को, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखिए और वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखिए। सॉल्यूशन, ये आपका एक्स एक्सिस है एक्स एक्स डैश, ये आपका वाई एक्सिस है वाई वाई डैश। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, पहले एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे होगा पॉइंट तो एक्स तो होगा लेकिन वाई जीरो होगा, तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, जीरो। ऑन एक्सिस वाई कॉर्डिनेट इज जीरो, वाई कॉर्डिनेट इज जीरो। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है तो इक्वेशन बनी वाई इक्वल टू जीरो। सो वाई कॉर्डिनेट इज जीरो, सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू जीरो। अब चलिए वाई एक्सिस पे, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। पहले पॉइंट एक्स एक्सिस पे था पी एक्स जीरो, अब पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे एक्स नहीं होता, तो एक्स जीरो है और वाई होगा। एक्स एक्सिस पे एक्स होगा वाई जीरो होगा, और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे एक्स होगा वाई जीरो होगा, और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा और वाई होगा। सो ऑन वाई एक्सिस द एक्स कॉर्डिनेट इज जीरो, ऑन वाई एक्सिस एक्स कॉर्डिनेट इज जीरो, तो इट मीन्स इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स कॉर्डिनेट जीरो होता है। सो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगेन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस फोर थ्री विद स्लोप वन बाई टू। तो ये पहला फार्मूला है जो मैंने आपको बताया था, जब आपको पॉइंट दिया हो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो किस तरह निकाली जाती है इक्वेशन लाइन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो हमें पॉइंट दिया है माइनस थ्री फोर, माइनस फोर एंड थ्री, और स्लोप दिया है वन बाई टू। वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज गिवन बाय, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म में कैसे दी जाती है, वो पहला फार्मूला वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स, ये वाला वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, एक पॉइंट दिया और एक स्लोप दिया वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई माइनस वाई वन आपका थ्री है, एम स्लोप आपकी वन बाई टू हो, और एक्स माइनस एक्स वन आपका माइनस फोर है, ये टू क्रॉस कर दो, टू इंटू वाई माइनस थ्री इजिकल टू, बाकी बचा एक्स माइनस माइनस प्लस फोर, टू वाई माइनस सिक्स इजिकल टू
एक्स प्लस फोर, टू वाई माइनस सिक्स, माइनस एक्स माइनस फोर लेफ्ट साइड में चले गए तो ये माइनस हो गए, इसका जीरो। सो माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस सिक्स माइनस फोर हो गया माइनस टेन, इसका जीरो। सबको राइट में ले लो, लेफ्ट में जीरो हो जाएगा, तो उस जीरो को आप राइट में भी लिख सकते हो। सो माइनस एक्स पास जाके प्लस एक्स प्लस टू वाई हो गया माइनस टू वाई, माइनस टेन हो गया प्लस टेन, ये सारे राइट पर आ गए, लेफ्ट में जीरो है उसको राइट में लिख दो, इसका जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लो फॉर्म। एक और क्वेश्चन लेते हैं विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2√3 एंड इंक्लाइंड विद एक्सेसिज एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। सोल्यूशन, वी हैव पॉइंट x1, y1 हमें दिया है 2, 2√3 और एंगल दिया है थीटा में 75 डिग्री। वी नो स्लोप m, स्लोप m के दो तरीके होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया था स्लोप m कैसे निकाल सकती है, या तो m होती है when angle is given tan थीटा, या m होता है when points are given y2 − y1 / x2 − x1। ये फार्मूला तब लगता है जब एंगल दिया हो, और ये स्लोप का फार्मूला तब लगता है जब दो पॉइंट्स दिए हो। तो हमें यहाँ पर एंगल दिया है, तो m इज इक्वल टू tan थीटा का फार्मूला से हम स्लोप ढूंढेंगे। वी हैव एंगल थीटा 75 डिग्री, पॉइंट दिया है 2 √3, एंगल थीटा दिया है 75 डिग्री। वी नो स्लोप, एंगल दिया है तो स्लोप वाला फार्मूला एंगल वाला स्लोप m ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, इज इक्वल टू tan थीटा, tan 75 डिग्री, और tan 75 को लिखेंगे 45 + 30 हो गया 75, tan a प्लस बी हो गया tan a प्लस tan b / 1 - tan a tan b हो गया 1 + tan 45 हो गया tan 45 हो गया 1 + tan 30 हो गया 1/√3, नीचे 1 - tan 45 हो गया 1 और tan 30 हो गया 1/√3 विच इज इक्वल टू √3 काम निकालो, हो गया √3 + 1 √3, इसका √3 काम LCM आया, √3 × 1 हो गया √3 - 1 1 = 1, √3 कैंसिल आ गया, √3 + 1 नीचे √3 - 1, इनको रैशनलाइज किया, जो नीचे साइन है उसको चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, √3 + 1 / √3 + 1, ये √3 + 1 और √3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे a - b × a + b हो गया √3 का a² - b² √3² - 1² ऊपर हो गया a + b का होल स्क्वायर √3² + 1² a² + b² + 2ab + 2 × a √3 × b हो गया 1, नीचे √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया 3 1 का स्क्वायर हो गया -1। तो ये आ गया स्लोप m इज इक्वल टू 3 + 1 + 2√3, ऊपर वाला है √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल 3 1 का स्क्वायर 1, सो 3 + 1 + 2√3 नीचे 3 - 1, तो क्या हो गया 2 हो गया 4 3 + 1 हो गया 4 + 2√3 / 2, 2 ऊपर वालों का काम निकाला 2 × 2 + 2√3, 2 बार आ गया 2 कैंसिल आ गया 2 + √3, तो स्लोप m किसके बराबर 2 + √3। वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज गिवन बाय, क्या फार्मूला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में ही, ठीक है, स्लोप भी हमारे पास है और पॉइंट भी है, पॉइंट कौन सा है 2, 2√3 और स्लोप कितनी निकली 2 + √3। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज गिवन बाय y − y1 = m × x − x1, y − y1 के नाम का पॉइंट का y1 2√3 और m क्या है आपका स्लोप निकली 2 + √3 × x − x1, x − x1 क्या आपका 2, ठीक है, पॉइंट क्या था यहाँ पर ये आपका पॉइंट स्लोप क्या थी 2 + √3। चलिए y − y1 आपका आ गया 2√3, m टाइम स्लोप डाली आपने 2 + √3 ये स्लोप, x − x1 आपका क्या है 2, तो हो गया y − 2√3 इसको 2x + √3x − 2 × 4 − 2√3, ये बना y − 2√3 2 + √3 बाहर आ गया, और दोनों के बाहर आ गया x कॉमन आ गया x − 4 − 2√3, ये 2 + √3x − 4 − 2√3 √3, ये y राइट साइड गया −y, −2√3 राइट साइड गया +2√3 = 0, सारे एक साइड चले गए तो राइट लेफ्ट साइड में जीरो रहा, उसको राइट साइड में लिख दिया −2√3 + 2√3 कैंसिल किया गया 2 + √3x फिर −y लास्ट में −4 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन
पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड इंक्लाइंड एंड एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो ये पॉइंट स्लोप में हमें स्लोप भी मिल गई थी और पॉइंट भी हमारे पास था, तो कौन सा फॉर्म लगाया हमने, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड 2, -4। वी नो वी हैव पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स कौन से दिए हैं, x1, y1 दिया है -1, 1, x2, y2 दिया है -2 और -4। हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इज गिवन बाय, तो मैंने आपको फार्मूला दूसरा बताया था, कौन सा फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या था, y-y1 इज इक्वल टू y2-y1 बट x2-x1 इंटू x-x1। तो क्या फार्मूला हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू हमारे पास टू पॉइंट्स दिए हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इज गिवन बाय, क्या फार्मूला है, y-y1 इज इक्वल टू y2-y1 बाय x2-x1 इंटू x-x1। तो y-y1 कितना आपका पहला 1, y-y1 कितना आपका 1, इज इक्वल टू y2 कितना आपका -4, -y1 कितना आपका 1, x2 कितना आपका 2, -x1 कितना आपका -1 इंटू x कितना आपका, x ही है, -x1 कितना आपका -1 मिलेगा और x1 कितना है -1। ये y-1 इज इक्वल टू -1, 4 और -1 हो गया -5, 2-1 हो गया 3 इंटू x-1 हो गया +1, हो गया 3 क्रॉस कर दो 3 इंटू y हो गया 3y, -3 इंटू 1 हो गया 3 इज इक्वल टू -5 इंटू x हो गया -5x, -1 इंटू 5 इंटू 1 हो गया -5, कितना हो गया ये 3y-3, इसके पास गया -5x हो गया +5x, -5 लेफ्ट में गया तो हो गया +5 इज इक्वल टू 0। सो ये पहले लिख लो 5x, फिर लिख लो +3y, -3, 5 में से -3 हो गया 2 निकले, 5 में से 3 निकाले तो 2, सो 5x पहले 5x फिर +3y, 5 में से 3 हो गया +2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे। कल हम इस एक्सरसाइज को फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।